देश में पहली बार एक महिला ने जुमे की नमाज में इमाम की भूमिका निभाई तो कट्टरपंथियों का सिंहासन डोल गया। महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात करने वाले कट्टरपंथी अब इस महिला को धमकी दे रहे हैं। इसी पर है आज का एजेंडा। इबादत में महिला और पुरुष का भेद नहीं, फिर महिलाओं को इमाम बनने का हक क्यों नहीं? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि केरल में एक महिला ने जुमे की नमाज में इमाम की भूमिका निभाई और उसे कट्टरपंथियों ने धमकाना शुरू कर दिया। कट्टरपंथी शरीयत का हवाला देकर जमीता को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। सवाल ये कि आखिर महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात करने वाले मौलाना जमीता को धमकी क्यों दे रहे हैं? और सवाल ये भी कि आखिर इबादत में महिला और पुरुष का ये भेद क्यों? इसी पर अपने खास पैनल के साथ आज चर्चा हम करने जा रहे हैं कि आखिर महिला के इमाम बनने से क्यों बौखलाए हुए हैं कट्टरपंथी। अगर एक महिला जुमे की नमाज अदा करती है, देश की पहली ऐसी महिला बनती है, तो इसमें गलत क्या है? अगर वाकई मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना है और एक महिला जमीता नाम की आगे बढ़ती है केरल से, तो इसमें गलत आखिर क्या नजर आ रहा है? ये कैसे इस्लाम के विरोध में हो गया? तो आज का एजेंडा में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ में मौजूद है, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर आप सभी गौर से नजर डालिए। ये तस्वीर एक रूढ़ी के टूटने की कहानी कहती है। ये तस्वीर बताती है कि दुनिया वाकई 21वीं सदी में पहुंच गई है। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि एक महिला ने नमाज के दौरान इमाम की भूमिका निभाई और बगैर किसी भेदभाव के पुरुषों ने इस महिला के पीछे खड़े होकर नमाज अदा की। तीन तलाक को अवैध घोषित होने के बाद मुस्लिम महिलाओं की ये बड़ी जीत है, लेकिन कट्टरपंथियों को ये बदलाव पसंद नहीं आया। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि जमीता को धमकी भरे फोन आने लगे। शरिया कानून का हवाला देकर कट्टरपंथी मौलानाओं ने जमीता को धमकाना शुरू कर दिया। हालांकि जमीता का कहना है कि उन्होंने किसी शरिया कानून की अनदेखी नहीं की। ईश्वर का राज्य कहे जाने वाले केरल में एक तरफ एक महिला के इमाम की भूमिका निभाने पर कट्टरपंथी बवाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोचीन के ये छात्र हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के इन छात्रों को धोखे से बीफ खिलाने की साजिश रची गई। आरोप कॉलेज के प्रिंसिपल पर है। बहुत स्टूडेंट मतलब मेंटली डिप्रेस्ड थे कि मतलब धर्म भ्रष्ट हो गया, और उसके बाद स्टूडेंट्स मतलब कुछ लोग वोमिटिंग करने के लिए ट्राई कर रहे थे। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि मतलब अब मैं क्या करूं, बिल्कुल ही डिप्रेस्ड मूड में थे। कुछ लोग मतलब इवन घर पे नहीं बता पा रहे हैं कि मेरे से ऐसा हो गया है, क्योंकि ये रिलीजियस एक फीलिंग्स का मामला है। केरल से आई ये दो खबरें सवाल उठा रही हैं कि आखिर ईश्वर के राज्य में क्या हो रहा है। सवाल ये कि जब इबादत में फर्क नहीं तो एक महिला के इमाम बनने से कट्टरपंथी नाराज क्यों हैं? सवाल ये कि महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करने वाले मौलाना महिलाओं से डरते क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो केरल से ये दो अलग अलग मामले सामने आए हैं, और इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर केरल में ये क्या हो रहा है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, इंट्रोडक्शन आप सभी का करवा देते हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी मौजूद हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, यूपी बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं आप। इसके अलावा आमिर हैदर जैदी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, आप सीपीआई नेता हैं, साथ ही टीवी डिबेट में सीपीआई का पक्ष आप बेबाकी से रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ अब्दुल हमीद नुमानी जी भी मौजूद हैं, आप ऑल इंडिया मुस्लिम मोर्चा के महासचिव हैं, टीवी डिबेट में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष यहां पर आप रखते हैं। इसके अलावा संघ विचारक भी हमारे साथ में मौजूद हैं, अवनीजेश अवस्थी जी, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए आप जाने जाते हैं, आरएसएस से जुड़े भी हुए हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा के नेता हैं,
बेबाकी से अपनी बात आप भी रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मौलाना नुमानी जी आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, आपको क्या कुछ लगता है, एक महिला जो देश की ऐसी पहली महिला बनती है, मुस्लिम महिला बनती है जो कि जुमे की नमाज पढ़ती है, फिर उसे धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं, ऐसा क्यों? क्या अपनी जमीन खिसकता हुआ, अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए एक महिला नमाज नहीं पढ़वा सकती, अदा नहीं करवा सकती? हाँ देखिए, पहले जो है कुछ चीजों को जो है जानने की जरूरत है। इस्लामी शरिया में ये महिला की इमामत का मामला कोई नया नहीं है और पहले से बिल्कुल क्लियर है। बच्चे हैं और जो लोग जो है वह जंगलों में रहते हैं या जो सफर में हैं, उन पर जो है हमारे यहाँ जो है जुमा जो है वह अनिवार्य नहीं है। महिलाओं को जो है उसमें अपवाद रखा गया है। जब यह कोई मुद्दा ही नहीं है तो इसको जो है मुद्दा बनाने का मतलब है कि कुछ लोग जो है प्रसिद्धि पाने के लिए नई नई चीजें जो है वह अपनाते हैं। महिलाओं पर जुमा है ही नहीं तो वह जो है इमामत करने का जो कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो है इनको पहले यह मालूम होना चाहिए कि इस्लामी शरिया में जो है वो मसला क्या है। वो जो है वह अगर वो महिलाओं को जो है नमाज पढ़ाती है तो पढ़ाए वो घर में जो है। लेकिन जमीता का कहना है कि पवित्र कुरान में तो साफ शब्दों में है कि मर्द और औरत में कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का अल्लाह भेदभाव यहाँ पर नहीं करता है, तो हम और आप भेदभाव करने वाले कौन है? भेदभाव जो है उसका कर्तव्य जो है वो क्या क्या है? अगर उसका जो है वो कर्तव्य उसमें शामिल है धर्म अनुसार जो है या कानून जो है इस्लामी शरिया अनुसार है, तब तो जो कोई बात है, उनके ऊपर तो जुमा है ही नहीं। उनको वो ने पढ़े तो जो है वो कोई गुनाह नहीं है उसको जो है उनके लिए जो है वो। डॉक्टर गुलरेज शेख, क्या कुछ आप कहेंगे? हम और आप क्या ये तय कर सकते हैं कि एक महिला को हक नहीं है कि वो इसकी अगवानी यहाँ पर करे? हक में नहीं है ना, ये चीज हक का मुद्दा नहीं है। वो बिल्कुल है, हिंदुस्तान है और आपको पहले जो है वो शरीयत मालूम होना चाहिए। हमें ये मालूम है कि एक महिला है वो और उसे अधिकार है, वो कुछ गलत अगर नहीं करे अपने दायरे में है तो कुछ गलत यहाँ पर नहीं है। शरीयत का जो मसला है वो डॉक्टर गुलरेज शेख पूर्ण सहमति है, इसमें जो है उस पर जुमा है, उसके अनुसार तो मर्द और औरत बराबर होते हैं। परंतु उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और हमारी जो संविधान की धारा 14 है जो कि भारत के संविधान की धारा 25 के भी पहले आती है, वह विधि के समक्ष महिला और पुरुष दोनों को समानता प्रदान करती है। जहां तक विषय जमीता का है तो मैंने भी वह वीडियो फुटेज देखा जो आपने भी प्रदर्शित किया, तो उसमें कुछ पुरुष उनके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं, वो बड़ी शांति से सब कुछ हो रहा है। तो इसका अर्थ सामने दिखता है कि वह सब कंसेंट से हुआ, न कि किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती से। अतः जो लोग हंगामा कर रहे हैं इस पर, वास्तव में वह भारत की मूल विचार तथा संविधान की अवधारणा को ही चुनौती दे रहे हैं और उन्हें इस बात का स्मरण होना चाहिए। इस पर अनिल जी आपसे रिएक्शन चाहूंगी, आप बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और साथ ही आप खुद एक महिला यहां पर हैं। आपको लगता है कि जमीता ने कुछ ऐसा गलत कर दिया है जो शरीयत के खिलाफ है, जो एक महिला अधिकार के उसके हक के खिलाफ यहाँ पर नजर आता है? देश की पहली मुस्लिम महिला का यहाँ पर इमाम बन के एक अगवानी करना, क्या इसमें कुछ गलत नजर आता है आपको? देखिए, ऐसा है कि शरिया में क्या है और क्या नहीं है उसकी जानकारी तो जो यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर्स हैं आपके पैनल पे वो बता पाएंगे, परंतु मैं जहां तक मेरी जानकारी है कि इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने कहा है कि जो उसके बिलीवर्स हैं, चाहे वो मतलब मर्द हो या वो औरत हो, वो प्रेयर्स यानी प्रार्थना भी कर सकते हैं, ये कुछ भी, चाहे वो ज़कात देने की बात हो वो भी करा सकते हैं। उन्होंने नर और नारी में कोई अंतर नहीं माना है जहां तक मेरी जानकारी है। ज्यादा पुख्ता जानकारी इस्लामिक स्कॉलर्स आपको दे पाएंगे, पर मुश्किल ये है यहाँ पर, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो और चाहे इस्लामिक हो, भेदभाव होता है। हिंदू महिलाओं को भी एक लड़ाई लड़नी पड़ी थी शनि चिकनापुर मंदिर में अपनी एंट्री के लिए और वो लड़ाई जीती। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से एक सहारा बनकर सामने आ रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर,
चाहे वो कोई भी महिला किसी जाति और धर्म की हो। कोशिश तो की जा रही है अनिला जी, लेकिन तीन तलाक का मुद्दा भी आप ही के सामने है। तीन तलाक के मुद्दे को लेकर मुस्लिम महिलाओं को लगा था कि अब उन्हें उनका वो अधिकार मिलेगा जो वो बरसों से चाहती है, लेकिन किस तरह से हो हल्ला हुआ और किस तरह से फिर ये पूरी स्थिति लटकती हुई नजर आई, वो आपके और हमारे सभी के सामने है। सामने ये भी तो दिखाई दे रहा है कि सरकार जो है हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं महिला को शंकराचार्य कब बनाया जाएगा। आज तक जो है कोई महिला जो है शंकराचार्य नहीं बनी है, जो मान्यता प्राप्त चार मठ है क्यों आज तक कोई महिला जो है शंकराचार्य बनी है। और आप खुद ये बताइए ना, यहाँ पर तो अगर नमाज की अगवानी है तो इतनी दिक्कत आ जाती है, थोड़ा रोका गया है। महिला पे है ही नहीं, नहीं तो आपके शरीयत में है नमाज पढ़ने, आपके शरीयत में आप ही ज्ञाता है तो बता दीजिए क्या ये लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि वो अगुवाई नहीं कर सकती है जुमे की नमाज पर। लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल हदीस में और हमारे यहाँ जो कानून है फिका जो है न्याय शास्त्र उसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं पर जो है इमामत भी नहीं है। आमिर हैदर जैदी साहब, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि एक बड़ा भेदभाव है, हालांकि उस मुद्दे पर भी आपसे लेंगे जो बीफ कटलेट का मामला यहाँ पर सामने आया, वो भी क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन पहले इस मुद्दे को यहाँ पर सुलझा लेते हैं। आपको लगता है नहीं दोनों है नहीं तो अच्छा है ना, कुछ मुद्दे बिना मालूम करके ही चर्चा हो जाए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, देखिए मौलाना साहब जो कह रहे हैं ना शंकराचार्यों के बारे में, मेरा तो स्पष्ट मत है कि हिंदू जो धर्म है वो अपने शंकराचार्य कैसे बनाते हैं वो हिंदू जाने, हिंदू धर्मगुरु जाने, और उनका हिंदू धर्मगुरु हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ज्यादा जानते होंगे। ऐसे मुसलमानों के अंदर शरिया ज्यादा इस्लाम में होता है, तो इस मामले में अगर एक हिंदू मुसलमान बैठ के कहे जी वहाँ शंकराचार्य कैसे बनता है और कोई हिंदू धर्मगुरु बैठ के कहे जी वहाँ नमाज कौन पढ़ाता है, तो ये तो विवादित मामला है। अपने अपने मसले खुद सुलझाते हैं, क्या क्या शरीयतें जानते हैं वो हिंदू धर्म क्या कहता है वो जानते हैं, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन जैसे अनिला जी ने कहा जितनी हमें मालूम आते उतनी हम भी बता देते हैं। इस्लाम के अंदर पहले नमाज औरत मर्द एक साथ पढ़ते थे, जब मर्दों की मानसिकता ये देखी कि औरत के नमाज साथ पढ़ने से ये जो मर्द मानसिकता के लोग हैं ये नमाज कम पढ़ते थे उधर को ज्यादा देखते थे, तो एक आदेश आया वही नाजिल हुई कि औरतों को थोड़ा डिस्टेंस से नमाज पढ़ लेनी चाहिए ताकि ये कुराफाती मर्द जो हैं वो ठीक रहे, जो मैं कह रहा हूं जो जितनी मेरी नॉलेज है, और उसी हिसाब से ये हुआ है। अच्छा, जुमे की नमाज जो है वो 3.5 फरसख के दायरे में है, दो आदमी नमाज नहीं पढ़ सकते, और वो 3.5 फरसख 5.5 किलोमीटर के दायरे में, अगर उससे पहले कहीं जमात हो रही होगी तो वो तो जमात बेकार लामाला बेकारी हो जाती। बहुत अहम जानकारी आप यहाँ पर जरूर दे रहे हैं सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यही सामने आ रही है कि हम सब कुछ जानते हैं पर एक महिला यहाँ पर अगर अगवानी करती है नमाज के जुमे की तो इतना कुछ बवाल मच जाता है, धमकियां उसे जान से मारने की आती है। बहुत जल्द रिएक्शन यहाँ पर अवस्थी साहब आपसे भी लेंगे, अवस्थी साहब आपसे भी लेंगे क्योंकि ब्रेक का एक वक्त हो रहा है। आपको लगता है कि हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन जब तक महिलाओं को पूरा अधिकार उनका हक यहां पर नहीं मिलेगा, जब तक जो एक खाई है वो नहीं भरेगी, तब तक हम किस अधिकार की बात करते हैं अगर एक महिला को जमीता नाम की महिला को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगती है क्योंकि वो जुमे की नमाज की अगवानी यहां पर करती हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अवस्थी साहब? और मेरे ख्याल से औरत को इमामत करने की इजाजत है शायद अगर वो औरतों की जमात कर लाती है और वो आगे सबीना, तो औरतों को इमामत करने की इजाजत है। सबीना सबीना जी जी अवस्थी साहब जल्दी अपनी बात रख दीजिएगा, जुमा है सबीना। बिल्कुल 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 सबीना सबीना, आज तो सचमुच मुझे इल्हाम हो गया। एक तरफ राहुल गांधी कहते थे कि मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं लड़के, आज जदी साहब ने वो बात सही कर दी कि मस्जिदों में भी इसीलिए जाते हैं और मस्जिदों में इसलिए महिलाओं का जाना रोक दिया गया। आज उन्होंने इस ऐतिहासिक तथ्य का खुलासा कर दिया, मुझे समझ में जदी साहब आप चुप रहिए, आप बहुत बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, आपने आज आपने खुलासा कर दिया कि आपके धर्म मस्जिद में क्या होता था, आज आपने खुलासा कर दिया, आज आपने खुलासा कर दिया, आज आपने अपने मुंह से बोला औरतों का वहां जाना ही बंद कर दिया, पीछे पड़ा औरतों का वहां, आपने कहा खुराफाती मर्दमाई इकट्ठे हो जाते थे मस्जिद में। चलिए ठीक है, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेने जा रहे हैं, चर्चा यहाँ पर जरूर गर्म हो रही है, मकसद यही है कि एक महिला को उसका पूरा अधिकार और हक मिले और अगर उसकी तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो जान से मारने की धमकी तो कतई उसे यहाँ पर नहीं दी जानी चाहिए।
तो आज का एजेंडा में अपने खास पैनल के साथ चर्चा इसी बात पर हो रही है कि आखिर ये केरल में क्या हो रहा है। ब्रेक में जाने से पहले हमने वो कट्टरपंथी सोच आपके सामने रखी जहां पर एक महिला जुमे की नमाज की अगवानी करती है लेकिन उसको धमकी दी जाने लगती है। अब बात करते हैं केरल के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज की जहां पर छात्रों ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें धोखे से बीफ कटलेट खिलाया गया। वो भी रिपोर्ट के जरिए हमने आप तक पहुंचाया। यहां पर हम जदी साहब आपकी तरफ रुख करेंगे। आपको लगता है जिस तरह से छात्र सामने आए हैं उन्होंने कहा है कि यह साजिश की गई है बीफ कटलेट को लेकर, सरस्वती पूजा को लेकर भी उन्हें रोका गया है, इसके पीछे आपको क्या तस्वीर नजर आती है? देखिए, जो आदमी शाकाहारी है उसे पता है उसके सामने क्या परोसा जा रहा है। जो मांसाहारी है उसके सामने क्या परोसा जा रहा है वो मालूम है। कोई शाकाहारी कहे कि मुझे जबरदस्ती मांस खिलाया गया है, नहीं हो सकता, हॉस्टल की बात है। बीजेपी का एक अपवाद है, योगी जी कहते हैं हम बीफ निर्यात करेंगे, गोवा के इनके मुख्यमंत्री कहते हैं हम आयात करेंगे, इनके केंद्रीय मंत्री जीजू कहते हैं हम बीफ खाएंगे, इनके एक नेता बीजेपी कहते हैं संगीत सोम हम बीफ बेचेंगे, कर्नाटक के अंदर ये बीफ पार्टी करेंगे। अवस्थी साहब, आपने सुना यहाँ पर जरी साहब को क्या कुछ कह रहे हैं? अवस्थी जी, आपको लगता है वाकई यहाँ पर तुम्हें भरोसे से पहले पता होना चाहिए या फिर आपको लगता है साजिश हुई है इसके पीछे? जरी साहब, जो सरकार आप चला रहे हैं ना, जो सरकार आप चला रहे हैं केरल, उसकी बात करिए, पूरे हिंदुस्तान की बात में आपसे करने को तैयार हूं। आज आपने मस्जिदों में महिलाओं का जाना क्यों बंद किया गया? अब दूसरा और बता दीजिए, छात्रों की बात करें, छात्र कह रहे हैं उनका घर भ्रष्ट हो गया है, आ रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? सरकार क्या कार्रवाई करेगी इससे बताइए आप? जहाँ एजुकेशन की बात करो, आप बताओ केरल में रोजगार नंबर वन, केरल में आपकी सरकार, आपकी सरकार वहाँ पर धोखेबाजों को, किसी को धोखे से किसी का कोई हक है वही खिलाया जाएगा और धोखे से खिलाया गया है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कोई धोखे से नहीं खिलाया जा सकता। आप लगता है यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि धोखे से खिला दिया गया है, ये गंभीर मसला है, समझना होगा। आपको मालूम है कि भारत सरकार बहुत जल्द रिएक्शन लगा होगा। केरल में जो आप लोग कर रहे हो ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है, वहाँ की जनता आपको उभार करके फैलने के लिए तैयार रखना चाहिए, विसर्जन हो जाएगा देश में, गंगा के अंदर तिरंगा नहीं फहराने देंगे, वहाँ पर सरस्वती पूजन नहीं करने देंगे, वहाँ पर महिलाओं को नमाज नहीं पढ़ना देंगे। केरल में भारत का संविधान चलेगा या आपका सीपीएम का चीन का संविधान चलेगा? अगर ऐसी बात है तो चीन चीन चाहे वो चीन से आदेश लेते हो जाकर के, ये जबरदस्ती जो है वो केरल में तिरंगा नहीं फहरा सकते, केरल में जबरदस्ती बीच फैलाएंगे आप, केरल में महिलाओं को नमाज नहीं अदा करने देंगे, जबरदस्ती का वातावरण यहाँ पर खत्म करने की बेहद जरूरत है और वाकई साजिश हुई है तो साजिश का पर्दाफाश होना भी जरूरी है। एक दूसरे के पाले में गेंद डालने से ज्यादा अच्छा होगा कि हकीकत वाकई सामने आए कि क्या हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और केरल में क्या कुछ हो रहा है उस पर बातचीत करने के लिए। वक्त है आज पूछे गए सवाल के जवाब देने का। केरल में नमाज पढ़ाने वाली जमीता को धमकी देना कट्टरपंथी की बौखलाहट है। 94% लोगों ने कहा है हाँ ये बौखलाहट है, 6% लोगों ने कहा है कि नहीं ये बौखलाहट नहीं है। वहीं पर किसी ने भी नहीं कहा कि उन्हें मालूम नहीं है, यानी कि सभी ने अपने जवाब किसी ना किसी तरह यहां पर दिए हैं। आज का एजेंडा में हमारे साथ इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।